हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों, अभी सुबह का समय है और अभी मैं जा रही हूँ सबसे पहले पूजा करने। इसके पहले मैं कुछ काम कर ली हूँ, नहा ली हूँ और अब मैं पूजा कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें आज मैं क्या क्या करती हूँ। दोस्तों, तो मैं पूजा करने के बाद आ गई हूँ अपने किचन में। और कल मैं मलाई से मक्खन निकाली थी तो उसको घी बनाने के लिए रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की। तो अब मैं चाय बना ली हूँ और पी लेती हूँ। और उधर मैं कुकर में चढ़ा दी थी आलू उबलने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी आलू और परवल की आलू दम वाली सब्जी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाते हैं परवल और आलू का आलू दम। तो आलू दम बनाने के लिए मैं परवल को सबसे पहले थोड़ा तेल डालकर फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो ज़्यादा तेल डालकर भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ही तेल डाली हूँ और ढक ढक कर थोड़ी देर पका लूँगी। और तब तक मैं यहाँ प्याज काट लेती हूँ। और इधर मैं आलू भी छील ली हूँ, प्याज भी काट ली हूँ और यहाँ परवल फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। परवल हो गया है फ्राई और मैं इसको निकाल ली हूँ। फिर मैं तेल डाल दी हूँ। तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो गया है, फिर मैं उसमें डाल दी हूँ जीरा और तेज़पत्ता और हरी मिर्च। जब ये तीनों चटक गया है, फिर मैं डाल दी हूँ कटे हुए प्याज को। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, फिर मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद एक दो मिनट भुनने के बाद मैं डालूंगी इसमें मसाले। तब तक मैं मसाले को निकाल लेती हूँ कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर। और यहाँ पे अब प्याज भुन गया है, फिर मैं डाल दी हूँ मसाला। और मसाला डालते ही मैं डाल दूँगी नमक, जिससे हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मसाला भी अब भुन गया है। फिर मैं थोड़ी सी पानी डालकर और मसाले को पका लूँगी। मसाले में जब बबल्स आ गए हैं, फिर मैं डाल दी हूँ परवल। और परवल जब एक दो मिनट तक भुन ली हूँ, फिर मैं डाल दी हूँ इसमें उबाले हुए आलू को मैं तोड़कर डाल दी हूँ। आप चाहें तो इस टाइम पे भी सब्जी को निकालकर खा सकते हैं। भुनी हुई सब्जी भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो दोस्तों, मैं थोड़ा सा निकाली हूँ और अब मेरा सब्जी और मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। फिर मैं ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल ली हूँ। अगर आपको सिर्फ रोटी के साथ ही खाना है तो आप इसमें कम सब्जी में पानी डालें, और अगर आपको चावल के साथ भी खाना है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डालें। और मैं अब सब्जी को डाल दी हूँ गैस के दूसरे साइड और अब बना लेती हूँ रोटी, ताकि मेरा ब्रेकफास्ट का भी काम जल्दी से हो जाए। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, अभी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा भी देर किचन में रहने का मन नहीं होता है। तो मैं जब भी आती हूँ चाहती हूँ कि जल्दी से सारे काम निपट जाए, ताकि मैं जल्दी से किचन से बाहर चली जाऊं और मुझे गर्मी ज़्यादा नहीं लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अब सब्जी भी हो गई है और मैं निकाल लेती हूँ इसे दूसरे बर्तन में, ताकि अभी ही मैं इस बर्तन को धो लूँगी। और इधर मेरा रोटी भी अब बन गया है। समझिए तो लगभग ब्रेकफास्ट का काम अब हो गया है। रोटी और सब्जी को मैं डाल दी और अब कर लेती हूँ थोड़ी सी किचन की सफाई, क्योंकि किचन में काम होने के बाद सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, जिससे अच्छा नहीं लगता है। और इधर मैं डाल दी थी आम को पानी में फूलने के लिए, ताकि आम में जो भी गर्मी है वो निकल जाए। तो
उसके बाद खाने से नुकसान नहीं होगा, तो उसको निकाल कर मैं रखती हूँ फ्रिज में। और चलिए दोस्तों, अब मैं किचन की सफाई कर लेती हूँ, गैस ये सब मैं पोंछ लेती हूँ और बर्तन जो है वो धो दूँगी, ताकि एक ही बार में मेरा किचन का काम हो जाएगा, क्योंकि आज मुझे कुछ और भी बनाना है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें कि इसके आगे मैं फिर क्या बनाऊंगी। इसीलिए आज मैं जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट का काम कर ली हूँ और अब मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। खाना बनने के बाद बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, अगर इसे नहीं धोया जाए तो पूरे घर का बर्तन धीरे धीरे करके गंदे हो जाते हैं। तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद अब मैं जा रही हूँ दोस्तों आम पापड़ बनाने, जिसे कहीं कहीं पे अमौट भी बोला जाता है। गांव देहात में हम लोग के यहाँ इसे अमौट भी कहा जाता है और आम पापड़ी या आम पापड़ भी इसे बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरा घर का ही आम है और ये होता है कि आम खाते खाते मन भर जाता है, तो कभी कभी दूसरे दूसरे तरीके से भी आम को खाना चाहिए। तो चलिए आज मैं बनाती हूँ आम पापड़। तो आम पापड़ बनाने के लिए मैं देखिए यहाँ पे कुछ आम ली हूँ और उसे अच्छी तरह से छीलकर और चाकू से काट लेती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में बने रहें और मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है ये ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। मैं पूरा आम को इसी तरह से छील लेती हूँ। आम ज़्यादा पका हुआ है, इसीलिए छीलने के लिए चाकू की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं हो रही है, बस काटने के लिए मैं चाकू का यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो अब मैं सारे आम को छील कर काट ली हूँ और अभी तो ये आम गिर ही जाता लेकिन बच गया। और देखिए, जितना आम हुआ है उतना ही ज़्यादा गुठली और छिलका भी हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस छिलके को अपने कपिला को दे देती हूँ, ताकि कपिला भी आम का टेस्ट जान जाएगी कि आम का टेस्ट कैसा होता है। तो अब मैं चलती हूँ अपने कपिला के पास। तो मेरी कपिला जो है वो आम का छिलका खा ली है। उसके बाद दोस्तों, अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में और आम का जो वो पल्प्स है उसको मैं पीस लेती हूँ मिक्सर में। तो दोस्तों, आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें मैं आम पापड़ कैसे बनाती हूँ। तो चलिए अब मैं पीस लेती हूँ आम को। एक बार में ये पूरा नहीं पीस पाएगा, इसलिए मैं दो या तीन बार में इसको पीसूँगी। पापड़ बनाने के लिए जो मैं आम पीस रही हूँ उसमें थोड़ा भी पानी नहीं डालना है, बिना पानी के ही पीसना है। और एक बात का और ख्याल रखना है, जब धूप का टाइम हो उसी टाइम आम पापड़ बनाना है, क्योंकि इसे धूप में भी सुखाना होता है। तो अभी गर्मी का दिन है और धूप बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो मैं सोची कि चलो आम पापड़ बना लेती हूँ, क्योंकि अगर आम पापड़ आप बनाएंगे धूप नहीं निकलेगी फिर ये बर्बाद हो जाएगा और आप खा नहीं पाएंगे। तो मैं आम पीसने के बाद उसी बर्तन में रखी हूँ जिसमें मुझे आम पापड़ बनाना है। तो मैं कढ़ाई में डाली हूँ और अब मेरा जो आम है वो सारा पीस गया है। तो चलिए अब करती हूँ आगे का प्रोसेस। उसके बाद मैं फिर गैस को ऑन करके वो कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और उसमें मैं डाल देती हूँ चीनी। मैं यहाँ पे 250 ग्राम चीनी डाली हूँ, क्योंकि यहाँ 1.5 किलो के आसपास आम होगा। अगर आप कम मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा कम चीनी भी आप मिला सकते हैं। और चीनी डालने के बाद मैं इसमें फ्लेम को बिल्कुल ही कम कर दी हूँ, ताकि जो आम के पल्प्स हैं वो नीचे पेंदी में नहीं सटे और नहीं जले। और इसमें नींबू का रस भी डालना है,
दो नींबू निचोड़कर इसमें रस डाल दीजिए ताकि ये मुलायम बने। तो दोस्तों आम में बबल्स आ गए थे, तो अब मैं उतार ली हूँ इसे गैस से और यहाँ पे थाली में मैं घी लगा दी हूँ। घी इसलिए लगा दी हूँ ताकि जिस टाइम मैं इसे उखाड़ू आसानी से उखड़ जाए। तो घी लगाने के बाद आम के जो भी पल्प्स हैं उसको मैं डाल देती हूँ अपने थाली में। थाली में डालने के बाद जैसे मैं इसे पसार रही हूँ आप वैसे ही करें, कोई छलनी ये सब से बराबर नहीं करें, ऐसे ही आप कर देंगे तो अच्छे से बराबर ये हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे मैं आम के पेस्ट को एक थाली में रख ली हूँ वैसे ही बचे हुए सारे पेस्ट को दूसरे थाली में डाल लेती हूँ और डालने के बाद मैं इसे धूप में डाल दूँगी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि धूप में आप ढककर ही रखें, या तो किसी बड़े से चलनी से ढके या तो कोई पतला सा कपड़ा से ढककर ही रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मक्खी आने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं धूप में डाल दी दो दिन, उसके बाद का ये वीडियो है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों दो दिन ये जो मेरा आम पापड़ है वो सूख गया है। तो चलिए अब मैं इसको उखाड़ लेती हूँ। उखाड़ने के लिए मैं चाकू से पहले इसे सेफ दे दी हूँ, उसके बाद उखाड़ूंगी। सेफ इसलिए दे दी हूँ ताकि हमें उखाड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और बिल्कुल आसानी से ये उखड़ जाए। मैं इसके जो नीचे घी लगा दी थी इसलिए हमें उखाड़ने में कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो रही है और आसानी से उखड़ जा रही है। और आप लोग दोस्तों यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मार्केट के जैसा बना है, थोड़ा भी नहीं लगता है कि ये घर का बना हुआ है। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि ये जो घर पर बना हुआ होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है और किसी भी तरीके का इसमें मिलावट नहीं होता है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और खाने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके की मैं आसान आसान रेसिपी जो कम से कम चीज़ों में बनती हो वो आप लोग के लिए लेकर आती रहूँगी। और गांव से रिलेटेड जो भी रहन सहन है, आसान सी ज़िंदगी कैसे होती है कम चीज़ों में भी, वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों अब मैं दूसरे थाली का जो आम पापड़ है उसको भी अच्छी तरह से काट कर उखाड़ लेती हूँ। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, बिल्कुल आम के कलर का, थोड़ा भी इसका जो कलर है वो नहीं गया है। और कितना भी मैं बचाती हूँ फिर भी मक्खी का तो अटैक हो ही जाता है, इसलिए आप लोग बनाते टाइम एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसे सुखाते समय हर हालत में किसी न किसी चीज़ से ढककर ही सुखाएं। तो दोस्तों अब मैं इसको मार्केट जैसा सेफ दे देती हूँ ताकि देखने में भी बहुत अच्छा लगे और जो चीज़ देखने में अच्छा लगता है वो खाने में भी टेस्टी ही लगता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों अब मेरा आम पापड़ बनकर हो चुका है तैयार। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।